दोस्तों ई श्रम कार्ड जिन्होंने बनवा लिया है उनकी भी बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, और जो नए नए ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं उनकी भी बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, सारे कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ई श्रम कार्ड जो लोग भी बनवा रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है। दोस्तों फ्रॉड इस टाइप का है कि आपको फ़ोन करके आपसे कहा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट जो ई श्रम के साथ लिंक किए थे वो अभी एक्टिव नहीं है, और भी बहुत सारा रीज़न बताते हैं कि कोई भी आर्थिक मदद जो सरकार के द्वारा होती है वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपके बैंक अकाउंट इसमें ऐड नहीं है, लिंक नहीं है, हम इसे एक्टिव कर देंगे या लिंक कर देंगे। बहुत तरह के बातें आपको बताते हैं और बताकर आपसे OTP वगैरह मांगते हैं, बैंक डिटेल्स भी मांगते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के कोई भी आपके पास अगर कॉल आते हैं जिनके ई श्रम कार्ड बन चुके हैं उन्हीं के पास दोस्तों ये कॉल आएंगे। तो इस टाइप के आपके पास कोई भी कॉल आते हैं तो आपको उनका कॉल को रिप्लाई नहीं करना है। अगर आप दोस्तों आप रिसीव कर लिए हो और आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक डिटेल्स दो या OTP दो, जो भी कुछ आपसे मांगा जाता है, तो आप फ़ोन पर किसी को भी ना दें क्योंकि दोस्तों सरकार के तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि हमारे तरफ से कॉल करके बोला जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट लिंक नहीं है वगैरह वगैरह और भी कोई चीज़। दोस्तों और एक चीज़ ये हो रहा है कि गाँव में बहुत सारे गाँव में ई श्रम कार्ड बनाने वाले जा रहे हैं और वहाँ पर दोस्तों कैंप लगाकर ई श्रम कार्ड लोगों का बना रहे हैं। तो दोस्तों उन सब लोगों से आपको ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना है क्योंकि दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने के लिए बहुत लोगों का आधार कार्ड में दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक है तो बहुत आसानी से ई श्रम कार्ड बन जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। इसके कारण दोस्तों हमें मार्फो या मिंत्रा के ऊपर अंगूठा का निशान देने पड़ते हैं KYC करने के लिए, तब हमारे ई श्रम कार्ड को वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों उस वेरिफिकेशन के चक्कर में हमें दोस्तों आधार कार्ड से जो पैसे उठाने वाले ऐप होते हैं उसके यूज करके लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल ले रहे हैं और उनको ई श्रम कार्ड दोस्तों यूं ही बना के दे दे रहे हैं। वो लोग तो दोस्तों खुशी खुशी ले लेते हैं अपना ई श्रम कार्ड क्योंकि उनका ई श्रम कार्ड बन चुका है, लेकिन दोस्तों पीछे से ये पता चलता है कि उनके बैंक अकाउंट भी खाली हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाएं जो लोग गाँव में जाकर कैंप लगा के ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। दोस्तों ई श्रम कार्ड आप उसी से बनवाएं जो आपके आसपास में साइबर वाले हैं, जो CSE सेंटर है, जो ऑथोराइज पर्सन है, उन्हीं से आपको जाकर दोस्तों ई श्रम कार्ड को बनवाने हैं, जो आपको जिसका ऊपर ट्रस्ट हो कि हाँ इस बंदे में कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी इलीगल काम नहीं करता है, सब काम लीगल करता है, उसी बंदे से आपको अपना ई श्रम कार्ड बनवाने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस फ्रॉड से बचे। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।